या दो या तीन या पांच या दस मिसालें हो, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, जो 95% लोग जो जुलूस से वापस आ रहे होते हैं और सब हाथ का मातम करके आ रहे होते हैं और किसी के भी जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सही। एक सवाल ये था मेरा, जब लोग जैसे हाथ का मातम करते हैं और दूसरी खवातीन हमें देख रही होती, खवातीन का जो देखना है वो सही नहीं। और अगर आप देखेंगे, आप मजमे में खड़े हो जाए, पब्लिक रोड पे आके अगर आप खड़े हो जाए, या तो आप किसी कमरे में कर रहे हो जहाँ पे खवातीन का आने का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अलग बात है। अगर आप रोड पे खड़े हो, आप देखते हैं कि खवातीन खड़ी हुई है, तो मुनासिब नहीं है। कमीज पहन के लड़ने से क्या फर्क होता है, बॉडी तो नहीं दिखा रहे यार, आप मातम कर रहे हैं, कमीज पहन के। कमीज उतारने का सबब क्या होता है मुझे नहीं मालूम। सीना गोभी में कमीज क्यों उतारी जाए, अगर क्वेश्चन करूँ ज्यादा अच्छी तरह मालूम। हाँ वही ना, मतलब मातम करना मकसद बन जाए, अलग बात है। मातम करने का मकसद एक तो इजहार है गम है, ठीक है, गम का इजहार करते हैं, और ये एक ऐलान एहतजाज है जुल्म के खिलाफ, तो उसकी असल जहर है, ठीक है, कि आप जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करते हैं। वो हाथ आपके सीनों पर नहीं पड़ते, जैसे कि इमाम ने कहा था, तो ताबूत पर पड़ते हैं वो हाथ, तो आपका अदब आपकी अपनी जात की ताबूत होती है, वो आप ऐसे नहीं मारेंगे, उसको पड़ेगा। ताबूत कहाँ ये सवाल करें, आज के दौर का ताबूत कौन है, एक तो ये भी सवाल है कि आज के दौर का ताबूत कौन है, इसराइल है अमेरिका है, कि जो नहीं मान। इसमें मैं थोड़ी और तशरीह करूं, एक तो हमारा और सारे निजाम में बातें हैं, इलाही निजाम के मुताबिक जितने भी निजाम हैं हमारे अड़ोस पड़ोस के जो ना बातें निजाम है, खुद हमारे जिस्म के अंदर भी एक ताबूत बैठा हुआ है जो हमें गलत सिंह की तरफ धकेल रहा होता है, जहालत की बिना उस ताबूत के चेहरे पर पड़ रही है। लेकिन एक चीज और बताओ, ये तमाशा नहीं है, ये दिखावे के लिए नहीं हो रहा। अगर दिखावे का आंसर है तो रियाकारी में आ जाएगा, ठीक है, आप अपने कमरे में जलाए कोयले और चले उसके ऊपर इमाम हुसैन मेरे सलाम, और अगर आपके जिस्म को नुकसान ना पहुंचे, कोई ऐसा जरर ना पहुंचे आपको, जाए सीना को भी करने के नतीजे में अगर निशान बढ़ जाता है तो वो भी नहीं होता ऐसा, मतलब वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। मैं आपका हाथ भी पकड़ के दबाऊं तो निशान पड़ जाता है यार, और अगर बहुत ज्यादा जोर से दबा दूं तो मुमकिन है शायद हल्का फुल्का नींद भी पड़ जाए। ये काटने तो अच्छे चीजें नहीं है, लेकिन ऐसा आपका सीधा फट जाए, खून रसना शुरू हो जाए, और ये आपका अपन इंटेंशनल हो पीछे, कि आपका मकसद ये हो कि मार मार के आप एक तो एक आप मातम कर रहे हो, खून निकल आए, ठीक है, एक आपका इरादा यही था। अगर इरादा यही हो गया, आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाएंगे इतना कि खून निकाल के छोड़ेंगे, फिर सही नहीं। जी जी, जैसे आपने बताया कि ब्रिटिश वगैरह जो न्यूज वाले पहले लेते हैं मातम, लेकिन मैंने जो क्लिप देखा वीडियो, ये बंदा मातम कर रहा है, उसके काफ़ी कट है ठीक है, फिर लोग खुद ही वीडियो बना रहे हैं हमारे शिया और उसको वीडियो क्लिप डाल रहे हैं, मतलब गूगल वगैरह, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, समझ ही रहे थे कि इसका नतीजा हम खुद ही कर रहे हैं, तो हमारी बेवकूफ़ी हमारे ही बात लोगों की बेवकूफ़ी जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मतलब पहले तो हम कह देते थे ना कि ये तो फरीद मुखालिफ है, ये तो चिढ़ता है, ये तो चाहते ही नहीं है, लेकिन अब तो गैर मुस्लिम भी क्रिटिसाइज कर, उनको जिनको पता ही नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है, वाकई करबला क्या है, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो सब भी यजीद ही है क्या, जो यजीद को जानते भी नहीं है। मतलब बच्चे को पकड़ के छोटे थे 6 महीने के 3 महीने के, उसके सर पे तलवार मार रहे हैं, बच्चा रो रहा है, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने मोहब्बत सिखाई है, आप बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्या क्या मैसेज दे रहे हैं आप, क्या आप अपने बच्चों के साथ ये जुल्म करने के लिए तैयार हैं? जैसे हम रोजा रखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो गैर मुस्लिम हो तो ये भी कह सकते हैं कि भाई आप रोजा रखते हो, गैर मुस्लिम खुद भी रोजा रखते हैं, कुछ नहीं कहते सारे, जितने गैर मुस्लिमों को बड़े बड़े मनाए को जानते हो सब क्या रोजा है, यहूदियों क्या है, ईसाइयों क्या है, हिंदुओं क्या है, बुद्ध बन गए, आप कौन से वैसे,
एथिस्ट से अगर पूछे तो ये मेडिकल साइंस क्या कहती है अगर रोजा रखा जाए तो इसके ऊपर कोई शवाहिद लेकर आए नुकसान पहुँचता है। सारे ही मुसलमान रोजा रखते हैं, दीगर सारे मजाहब रोजा रखते हैं, मेरे ख्याल में इससे पेशेंस पैदा होता है इंसान के अंदर, नुकसान पहुँचने का सबब भी है। और बिलफर्ज अगर रोजा किसी के लिए जरर का बाइस बने तो हमारे यहाँ भी उसको मजबूर हो जाएगा, छूट हो जाएगी। इंसान की ऐसी ऐसी नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी की बात है, एक टाइम खाना दो। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कहता, आप समझते हैं वो ऐसा नहीं कहते, वो समझते हैं कि ये एक कम अज कम उनके नुकते नज़र से एक एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से इंसान के अंदर पेशेंस पैदा होता है। आपने क्रिटिसिज्म कितना पढ़ा है, मुझे मैंने तो नहीं पढ़ा, हाँ बहुत से लोगों को देखे कि ना यानी किसी इमाम बाएगा में या आलम के सामने सजदा करते हैं तो वो कैसा है? गैर अल्लाह को सजदा करना तो हराम है, जायज़ नहीं है अगर तादीम की नियत से किया जाए, यानी किसी का आप गैर अल्लाह आलम के आगे सजदा करते हैं, रोज़ा शरीफ के आगे सजदा करते हैं, अगर तादीम की नियत से करते हैं तो हराम है, और अगर इबादत की नियत से करेंगे तो शर्म। अला साहब जैसे कि अली भाई ने सवाल किया कि जैसे हम सीना जरी करते हैं और काफ़ी खवातीन देखती हैं, कमीज उतार के हम करते हैं, और किस तरह हम समझाए जाए, किस तरह मना कीजिए, समझते नहीं? मना तो आप इंडिविजुअल करें, पब्लिक में नहीं करें, पहली बात तो ये है, क्योंकि पब्लिक में जब करेंगे तो इंसान डिफेंसिव हो जाता है, अपने हर अमल का दफा करता है। अभी यहाँ पर अगर आप मेरी कोई गलती मुझे बताएं, इतने सारे लोगों के सामने मैं जानता भी हूँ ना गलत हूँ, अब इतने सारे लोग हैं तो मैं डिफेंड करना शुरू कर दूँगा इसको कि मैंने ये काम इस वजह से किया, इस वजह से किया, कहूँगी ये क्या समझ रहा हूँ गलत काम। बाकी जो मुझे नहीं मालूम उससे पहले तो पूछेगा कि कमीज उतार के क्यों कर रहे हो, क्या नहीं चले, वैसे भी किया जा सकता है, आप जितनी हाथ मारना चाहे मार सकते हैं सीने पर, तो कमीज़ का इतना सा मतलब कपड़ा तो कोई रुकावट नहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो आप क्यों कमीज़ क्यों उतार, पहले तो उसका रीज़न समझ जाए, कमीज़ उतार के मातम करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा, जायज़ है, लेकिन खवातीन की नज़र पड़ना ये जायज़ है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर खवातीन मौजूद है तो ग्रेज़ करना चाहिए, मुनासिब नहीं है। लेकिन असलन किसी कुछ उतार रहे हो, अगर कोई समझ में आने वाली बात है तो पढ़ ले भाई, क्या सवाल ये था कि आपने कहा की नियत से करा है और इबादत की नियत से करा शिर्क है, मुशरिक हो जाएगा अगर गैर अल्लाह की इबादत की जाए तो शिर्क हो जाएगा। अगर इबादत की नियत से नहीं कर रहा, ताज़ीम की नियत से, रिस्पेक्ट की वजह से कर रहा है तो हराम है, जायज नहीं, लेकिन मुशरिक नहीं होगा, यानी हर हराम काम तो शिर्क नहीं है ना। दरवाजा चूमने की बात नहीं, सजदे की बात हो रही है, दरवाजा चूमना तो शायद मुस्तहब है। काफ़ी टाइम हो रहा है जैसे कि असर का वक्त हो रहा है, मातमदारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर बाद मातम ही करते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो ये आज़ादारी कबूल है? वो जो मातम नहीं कर रहे हो तो वो भी नमाज नहीं पढ़ते, ये उन बेचारों के साथ इसको तकी ना करें, नमाज ना पढ़ने का जो मसला है वो माशरे का अमूमी मसला है, चाहे मातम करने वाले हों या मातम ना करने वाले, जो मातम नहीं करने वाले हैं वो सारे नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते उनकी भी एक्सरियत, ये एक अलग मसला है कि नमाज की तरफ लोगों को बुलाया जाए और लोगों को नमाज का पाबंद किया जाए, इसका मातम से कोई झगड़ा नहीं, ये वैसे ही नमाज नहीं पढ़ते, मातम का जिक्र करते हैं। सर मेरे एक दोस्त है जो देवबंद है, उनके बड़े भी ये सिखाते हैं कि हम जो आज़ादारी करते हैं सीना को भी या हम रोते हैं इमाम हुसैन पर, ये उनका ये अकीदा है कि हमने इमाम हुसैन को खुद ने कत्ल किया है और हम पे अभी आज बात ये है कि ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, मतलब ये यकीनन ये कोई आपके दोस्तों में से जिसने भी ये बात की है वो अहले सुन्नत हजरात अमूमन वहाँ पर ये बदगुमानी या गलत फहमी एग्जिस्ट करती है कि जनाब हम मातम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ही कत्ल किया था उनको और अब हम उस पर कसूर का आंसू बहा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हिस्टोरिकली
जिन लोगों ने साथ नहीं दिया था इमाम अहले कूफा, यकीनन जब उनके सामने वो काफिला लाया गया तो वो रोने धोने लगे, ये बात सही। जिन्होंने साथ नहीं दिया, जिन्होंने गद्दारी की, और जैनब ने शायद किसी मुकाम पर बदुआ भी दिया तो मुझे सही है। लेकिन खुद जैनब भी रोई, रसूलल्लाह भी रोए थे। वो रोए सिर्फ वो नहीं थे कि जिन्होंने साथ नहीं दिया, वो भी रोए जो उनसे मोहब्बत करते थे। रसूलल्लाह ने हदीस का हवाला दिया, खुद इमाम अली से रवायत है कि इमाम अली जब इस मकाम से गुजरते हैं लेकिन सुफैन के वक्त वो खुद रोते हैं और कहते हैं या अबा अब्दुल्ला सबर करना, या अबा अब्दुल्ला सबर करना, या अबा अब्दुल्ला सबर करना। ठीक है, और लोग पूछते हैं आप किससे मुखातिब हैं, और फिर वो उनको पूरा वाक्य बताते हैं। तो रोना इजहार निदामत के तौर पर मुमकिन है। कोई आज से 1400 साल पहले रोया हो कि क्यों नहीं साथ दिया, हम क्यों रोते हैं आप हमसे पूछे, हम इसलिए रो रहे हैं। कोई रोया होगा 1400 साल पहले, मुमकिन है सोचा था कि उसने साथ क्यों नहीं दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुरान करीम में इस हवाले से सूरह यूसुफ की आयतें, सूरह यूसुफ में तस्करा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, और वहाँ पे आप देखें कि मैं तर्जुमा आपको बता रहा हूँ कि जब वो आते हैं उनके पास हजरत यूसुफ के भाई और कहानी सुनाते हैं कि इस तरह से हजरत यूसुफ जो है तो जानवर खा गया या फर्क पहुँचा दिया उसने, तो उनको कहते हैं कि तुमने एक जो दास्तान गढ़ी है अपनी तरफ से गढ़ ली है, झूठी कहानी तुम मुझे सुना रहे हो। ठीक है, और वो कहते हैं कि सब्र जो है, सब्र जमील का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वही सबसे बेहतर है, सब्र जो है वही सबसे खूबसूरत चीज़ है। और उसके बाद आयत ये कहती है, और ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 34 है।